हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट एनीमे के बारे में, जिसमें हम आज एपिसोड नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे। टुडे स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो ये प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनीमे एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हारू दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के अंदर आता है। हमें वहां पर दिखाया जाता है कि हारू हॉस्पिटल में रिन से मिलने के लिए आया था, वो रिन जो हमें सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में दिखाई गई थी। रिन हारू को गुस्से में कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ। हारू रिन को फ्लावर पॉट देता है, वो कहता है कि देखो ये कितना सुंदर है, लेकिन रिन उसे फेंक देती है और वो कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। फिर उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ पर मोमोची दौड़ते दौड़ते हुए यूकी होंडा और कियो के पास आता है। वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। उदानी कहते हैं कि अब क्या हुआ। मोमोची कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे थे। होंडा कहते कि हम लोग स्कूल ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। मोमोची कहते कि स्कूल ट्रिप कहाँ जाने वाले हो। होंडा कहते कि हमारे टीचर ने कहा है कि क्योटो या फिर नागा जाएंगे। मोमोची कहता है कि मैं भी आना चाहता हूँ। और वहाँ पर हनीचामा कहती है कि अगर तुम अपने पैसे से आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। मोमोची कहता है कि ओके मैं पे करके आ जाऊंगा। वो कहता है कि कभी नहीं। मोमोची कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ है। उदानी कहते कि ये हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर से खुश नहीं है। मोमोची कहता है कि मतलब तुम्हारे ग्रुप में यूकी भी है। क्यों कहता है कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। उदानी कहते कि तुम उसके साथ जाओ मजा आएगा। क्यों कहता है कि नहीं मैंने कहा ना नहीं। मोमोची कहता है कि ओए क्यों तुम होंडा के साथ जा रहे हो तो प्लीज सेल्फिश मत बनो, मैं भी होंडा के साथ जाना चाहता हूँ। क्या तुम होंडा के साथ नहीं जाना चाहते। क्यों कहता है कि बिल्कुल चाहता हूँ मैं। फिर वहाँ पर यूकी आता है। फिर वहाँ पर होंडा कहते कि मोमोची तुम कुछ कहने वाले थे। मोमोची कहता है कि यस, वो अपना हारू है ना, वो अपने ब्लैक फॉर्म में आ गया है और वो क्लासरूम में तोड़फोड़ कर रहा है। कियो और यूकी कहते कि साले पिद्दी पहले नहीं कह सकते थे। फिर उसके बाद हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पर हारू ने बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ की होती है। फिर वहाँ पर यूकी और बाकी सारे लोग आते हैं। यूकी होंडा और कियो हारू के पास आते हैं, जहाँ पर हारू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। कियो कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ोगे। हारू कहता है कि हाँ पागल बिल्ली तुमसे लड़ूंगा। कियो कहता है कि वो यूकी के बच्चे खड़ा क्या है, कुछ तो बोल। क्यों बड़े शांत स्वभाव में कहता है कि हारू मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम्हें स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए। हारू कहता है कि ओए प्रिंसेस यूकी, क्या तुम मेरे इस रूप को देखकर डर गए हो। चारे यूकी तो देव मानुष बनके उसे समझा रहा था, लेकिन यूकी को ही प्रिंसेस बोल दिया। फिर वहाँ पर हारू कहता है कि तुम दोनों साथ में भी मुझसे लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होंडा कहते कि हारू रुक जाओ, लेकिन इस बार नारुतो 2.0 का टोल्कनोजुत्सु काम में नहीं आया। और हारू होंडा को पकड़ लेता है और वो अपना सीक्रेट सारे स्टूडेंट के सामने रिवील करने वाला होता है। लेकिन जब वहाँ पर कियो आकर हारू को एक जोरदार पंच मार देता है। कियो कहता है कि हमारा तो ठीक है, लेकिन होंडा को तुम परेशान नहीं कर सकते हो। हारू कहता है कि क्या फालतू बातें कर रहे हो बिगी बिल्ली, मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ने में क्या डर लगता है तुम्हें। कियो कहता है कि अभी साले अब तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियों को तोड़ के ही दम लूंगा। और यहाँ पर कियो अपने फॉर्म में आते हुए और वो हारू पे हमला करता है और हारू भी उसे पकड़ता है। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में आ जाता है ट्विस्ट पानी का। वहाँ पर हमें देखा जाता है कि टीचर ने उन दोनों पे पानी फेंका था और वो कहते हैं कि अपना पागलपन यहाँ पर बंद करो, ये WWE का कोई रिंग मैच नहीं है, ये स्कूल है। कियो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। टीचर कहते हैं कि क्योंकि तुम दोनों जंगली आदिवासी की तरह झगड़ रहे थे। फिर वहाँ पर हारू कहता है कि अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब कि वो अपने पुराने फॉर्म में आ गया था। उसके बाद हमें दिखा जाता है कि होंडा और बाकी सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर में हारू के साथ क्या हुआ होगा। फिर वहाँ पर हारू आता है और होंडा उसे कहते हैं कि हारू क्या तुम ठीक हो। हारू कहता है कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया है और हाँ होंडा मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। होंडा कहते हैं कि कोई बात नहीं। हारू कियो से कहता है कि ओए कियो अच्छी फाइट की थी तूने। कियो कहता है कि सारा मुझसे सॉरी नहीं बोलेगा। फिर वहाँ से हारू जाने लगता है। होंडा कहते हैं कि उसे क्या हुआ होगा। यूकी कहता है कि मैं उससे बात करके आता हूँ और वो वहाँ से जाता है। इसके बाद यूकी हारू के पास जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हारू कहता है कि मैं क्लास साफ करने के लिए आया था, लेकिन ये पहले ही साफ कर दिया गया है। हारू कहता है कि यूकी क्या तुम उसे देखकर कुछ सोच रहे थे। यूकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और हारू तुम हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो चाहे तुम तकलीफ में भी क्यों ना हो, और मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, ये सही नहीं है। हारू कहता है कि तो क्या तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। हारू कहता है कि कोई मुझे कह रहा है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में कभी सोचता नहीं है और वही इंसान मेरे पास आया है। यूकी तुम्हारा इसके लिए थैंक यू। हारू कहता है कि कभी कभी मैं भी सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। तो यूकी बात यह है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है इनके साथ,
हरु कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है, उसकी वजह से ही मैं आज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और मैं अपने डार्क फॉर्म में आ गया था। मतलब हरु ने भी कोई गलती नहीं की है, मतलब बेचारे का दिल टूटा यार, और दिल टूटा हुआ इंसान सारी चीज़ों को तोड़ता ही है। युकी कहता है कि अकितो का क्या, हरु कहता है कि हमने हमारी डेटिंग को सीक्रेट रखा था, जब से वो इंजर हुई है तब से वो बदल गई है, उसने अचानक ही मुझे छोड़ दिया, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, मैं हार नहीं मानूंगा। युकी कहता है कि तो अब क्या करोगे, हारू कहता है कि अब क्या, जो मैंने कांड किया है उसके लिए पेरेंट्स और टीचर मुझे सुनाएंगे। युकी कहता है कि हारू मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हारू कहता है कि हाँ पर सच कहो तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। फिर वहाँ पर टीचर हारू को बुलाती है और हारू वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद हमें क्यों दिखाया जाता है जो डोजो में प्रैक्टिस कर रहा होता है, प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी माला को दिखता है और वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि डार्क हारू उससे दूर हो जाओ, जबकि मैं भी उससे ज़्यादा खतरनाक रूप में आ सकता हूँ। कजमा क्यों के पास आते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ क्यों, कुछ हुआ है? क्यों कहता है कि कुछ नहीं हुआ है और वो वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद हमें हारू दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में रिन को मिलने के लिए आता है, लेकिन वो रिन को मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि रिन हॉस्पिटल में नहीं थी। फिर उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर रूतानी और रानी जमा बातें कर रहे होते कि ट्रिप में हमें क्या क्या खाने में मजा आएगा। फिर वहाँ पर मोमोजी आता है और वो कहता है कि बुरी खबर है। होंडा कहती है कि अब क्या किया हारू ने। मोमोजी कहता है कि उन्होंने कहा है कि अब हारू स्कूल नहीं आ पाएगा, हारू अब सस्पेक्टेड है। युकी कहता है कि तुम्हारा मतलब उसे सस्पेंड किया गया है। मोमोजी कहता है कि हाँ शायद, तो क्या वो स्कूल वापस आ पाएगा? युकी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो बस एक दो दिन स्कूल नहीं आएगा। यू कहता है कि हाँ उसे घर ही रहने दो ताकि वो थोड़ा सा साथ हो। फिर उसके पास स्कूल छूटने के बाद युकी और होंडा बातें करते जा रहे होते हैं। होंडा कहते हैं कि क्या हारू ठीक होगा? युकी कहता है कि होंडा क्या तुम उसकी चिंता कर रही हो? होंडा कहते कि हाँ मोमोजी ने मुझे कहा था कि कुछ टाइम पहले उसके साथ कुछ हुआ था और मुझे इसके लिए चिंता हो रही है। युकी कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके घर जाकर उसे मिलना चाहिए। होंडा कहते कि क्या तुम सुमा स्टेट्स में जाओगे? युकी कहता है कि हाँ मैं वहाँ पर कभी जाना नहीं जाता हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। होंडा कहते कि क्या मैं भी आऊँ? तो युकी कहता है कि नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से जाऊँगा, मैं ये खुद करूँगा। होंडा कहते कि हाँ। युकी कहता है कि मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा और वो वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद होंडा घर आती है। सुगिरु कहते हैं कि युकी कहाँ है? होंडा कहते कि आज हारू नहीं आया था तो वो हारू को मिलने के लिए गया है। सुगिरु कहता है कि क्या वो सुमा स्टेट गया है? होंडा हाँ कहती है। सुगिरु कहता है कि वो नो, अब वो कैसा होगा? फिर उसके बाद हमें युकी दिखा जाता है जहाँ पर उसे अपनी बुरी यादें याद आ रही होती है और वो यादें उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है। फिर वो वहाँ पर रिन को जाते हुए देखता है और वो उसके पीछे जाता है और वो सुमा स्टेट के गेट पर पहुँच जाता है और उसे वहाँ पर अपनी बुरी यादें याद आ रही होती है। उसके बावजूद भी वो हारू के लिए अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे दो औरत मिलती है और उसमें से एक कहती है कि युकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम न्यू ईयर पर क्यों नहीं आए थे? युकी सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके बाद युकी हारू के रूम में आता है जहाँ पर हारू मस्त गेम खेल रहा होता है। हारू कहता है कि ये तो शौक देने वाली चीज़ है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हारू युकी के पास जाकर एक सेल्फी लेता है। युकी कहता है कि अब ये क्या है? हारू कहता है कि ये पिस्टल मोमेंट है, तुम यहाँ पर आए हो पता नहीं कितने वक्त के बाद। युकी कहता है कि तुम्हें ठीक देख कर अच्छा लगा। हारू कहता है कि मैं ठीक हूँ पर मैं थोड़ा सा बोर भी हो गया हूँ 5 घंटे लगातार गेम खेल कर। युकी कहता है कि तो हारू मैंने अभी रिंग को देखा। हारू कहता है कि ऐसा मतलब कि वो फिर से हॉस्पिटल से भाग गई, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसे पता भी है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। युकी कहता है कि ठीक है अपना बेस्ट देना। हारू कहता है कि तुम जा रहे हो? युकी कहता है कि अब तुम्हें कोई भी हौसले की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हारू होंडा का नाम लेकर युकी को थोड़ा चिढ़ाने लगता है, इसे युकी थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हारू कहता है कि अच्छा पोसे मैं तुम्हारी सेल्फी ले लेता हूँ। युकी स्माइल देता है और वो वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद हमें सुगिरु का घर दिखाया जाता है जहाँ पर होंडा युकी का वेट कर रही होती है। सुगिरु कहते हैं कि होंडा मुझे भूख लग रही है, क्या डिनर रेडी है? होंडा कहते हैं कि हाँ मैं आपको पहले अलग से दे देती हूँ। सुगिरु होंडा को देखकर समझ जाते हैं कि वो डिनर के लिए युकी का वेट कर रही है। सुगिरु कहते हैं कि ओ मुझे अभी याद आएगा मुझे मिचांग को मिल करना है तो मैं थोड़े समय के बाद खा लेता हूँ, और वो वहाँ से जाते हैं। फिर उसके बाद हमें युकी दिखाया जाता है जो घर की ओर आगे बढ़ रहा था और उसे पीछे से रिन देख रही होती है। फिर उसके बाद एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें उतारनी दिखाई जाती है जो स्टोर में कुछ सामान ले रही होती है। वहाँ पर एक लड़का आता है और उसके हाथ में बहुत सारे पैकेज थे और वो कहता है कि एक्सक्यूज मी मुझे यहाँ से जाना है। उतानी कहते कि कोई बात नहीं तुम बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम ठीक से देख पाओगे। लड़का कहता है कि तुम्हारा थैंक यू और तभी उसके हाथ में से सारे पैकेजेस नीचे गिर जाते हैं। उसे देखकर उतानी को होंडा की याद आती है जब वो उसे पहली बार मिली थी और वो वहाँ पर हंसने लगती है और वो कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई होंडा जैसा भी है। लड़का सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उतानी कहते कि सॉरी पर ये फनी था। वो लड़का उतानी को देखता है और वो सोचता है कि इस लड़की की स्माइल कितनी प्यारी है, मैं उसे हमेशा देखना चाहता हूँ।
फिर उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर टीचर लेक्चर ले रही होती है और लेक्चर पूरा होने के बाद वो बाहर जाती है। उनके जाने के बाद सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यह उनका लास्ट लेक्चर था और अब उनका समर वैकेशन स्टार्ट हो गया था। तानी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो हंडा को कहती है कि वो समर वैकेशन में क्या क्या करना चाहती है। समर वैकेशन को लेकर हानी चमा भी रेडी थी और वो आखिर कहती है कि अब हम क्या करें। तानी कहती है कि सॉरी लेकिन अभी मेरा शेड्यूल वर्क फिक्स है। हंडा कहती है कि और वो क्या है। तानी कहती है कि मैं कैफे में और कन्वेंशन स्टोर में जाती हूँ, एक अच्छा मौका है पैसे कमाने का। हंडा कहती है कि मैं दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगी लेकिन अभी मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है। वैकेशन में हम क्रिकेट खेलने चले जाते और ये लोग जॉब ढूंढने की बात कर रहे हैं, इसी वजह से वो लोग शायद हमसे आगे है, इसलिए हमारे यहाँ छोटा भीम बनता है और वहाँ पर एटोकॉन टाइटन जैसे शो बनते हैं। फिर से मेन स्टोरी पर आते हैं जहाँ पर उतानी कहते हैं कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दूसरी जॉब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ओवर वर्क से मर जाओगी। होंडा कहते हैं कि ठीक है। तो वहाँ पर हानी चमा कहते हैं कि उतानी तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी होंडा जैसे को मिली थी। उतानी कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि वो होंडा जैसा था, मैंने ऐसा कहा था कि उसने मुझे होंडा की याद दिला दी थी और उसके बाद वो मुझसे दोबारा नहीं मिला है, अगर वो मुझसे दोबारा मिलेगा तो मुझे उससे खुशी होगी। फिर इसके बाद हमें यूकी क्यू और होंडा दिखाए जाते जो बातें कर रहे होते कि समर वैकेशन में क्या करे। और वहाँ पर हारू पानी के फुहार में भीग रहा था और वो कहता है कि मैं गिंजर पॉर्क खाऊंगा। फिर उसके पास जाता है और वो कहता है कि लगता है कि अब तुम शांत हो गए हो लेकिन तुम यहाँ पर थोड़े अजीब से लग रहे हो। और तभी वहाँ पर मोमोच आकर कियो के मुँह पर पिचकारी मारता है और कियो गुस्सा होकर उसके कान पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो लोग होंडा हाउस जाते हैं जहाँ पर जाने के लिए मोमोची सबसे ज़्यादा खुश था। मोमोची कहता है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा तो कियो उसे रुकता है और कहता है कि रुक खरगोश, तेरे को इतनी भी क्या जल्दी है। वो कहता है कि हमें पहले सबको पूछना चाहिए कि अंदर पहले कौन जाना चाहता है। और वो कहता है कि होंडा क्या तुम पहले जाना चाहती हो। वो होंडा के सामने देखता है तो होंडा इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि बेचारी कितनी ज़्यादा डरी हुई थी। मोमोची कहता है कि होंडा तुम डरी हुई हो। होंडा डरते डरते कहते कि नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता। कियो और यूकी सोचते कि हमें पता है कि तुम डरी हुई हो लेकिन तुम दिखाना नहीं चाहती हो। मैं कहती कि सिर्फ मुझे मेरे माइंड को कंट्रोल रखना है तो मुझे किसी से भी डर नहीं लगेगा, मैं अंदर जाऊंगी। कियो कहता है कि अब रहने दो। होंडा कहती कि नहीं मैं साबित करके रहूंगी कि मैं नहीं डरती। तो होंडा अंदर जाती है और वो डरी हुई होती है और होंडा के सामने सबसे पहले चाकू रानी भूत आता है और होंडा उसे देखकर इतनी ज़्यादा डर जाती है कि मतलब उसका फिर से देख लो। उसके बाद होंडा के सामने कछुआ भूत आता है और होंडा और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। कियो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तो अब डर क्यों रही हो। होंडा कहते कि पता नहीं। दूसरी ओर यूकी मोमोची को देखता है तो मोमोची भूत को देखकर हंस रहा था। होंडा कहते कि अगर मैं भी हंसते हुए जाऊंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। वो फुल स्पीड में आगे बढ़ती है। उसके सामने एक और भूत आता है और होंडा का हाल बेहाल हो जाता है। होंडा कहते कि ठीक है अगर मैं अपनी आंखें बंद करके चलूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। और वो अपनी आंखें बंद करके चलने लगती है और जाके सीधा दीवार में टकराती है और गिरती है। चेहरी बच्ची की जान लोगी क्या। यू कहता कि तुम डर रही हो अब मान भी लो। होंडा कहते कि कोई बात नहीं और वो आगे बढ़ती है और उसके बारे में कुछ टकराता है और वो नीचे गिरती है। यू और यूकी दोनों ही अपने हाथ होंडा के लिए आगे बढ़ाते हैं। यू कहता है कि साले तू मेरी कॉपी कर रहा है। यू कहता है कि मैं तुझ जैसे इडियट की कॉपी क्यों करूं। वो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर मौका देखकर मोमोची आ जाता है और वो होंडा का हाथ पकड़ लेता है। यू बिल्ली के खेल में खरगोश रानी ले गया। उसके बाद होंडा मोमोची और हारू के साथ जाती है। यहाँ पर उसके सामने एक और भूत आता है। होंडा डरती है और हारू कहता है कि डरो मत। वो वहाँ पर उस भूत की कहानी सुनाने लगता है कि वो अपनी मॉम से कैसे बिछड़ गया है और होंडा और मोमोची उसकी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। फिर पीछे से वो मॉम भूत आती है और हारू उसे पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है और हारू उसे उस भूत के पास ले जाता है और वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा मिलन करवा दिया है। वहाँ पर कियो आकर कहता है कि साले ये तूने क्या किया, अब हम इनके पैसे देने पड़ेंगे, तुम मैनेजर को क्या जवाब दोगे। उसके बाद वो लोग मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर कहता है कि शक्ल से तो सबके सब मॉडल दिखते हो और ऐसा काम करते हो, ऐसे देने पड़ेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स से लूंगा। तो मोमोची उस मैनेजर से कहता है कि प्लीज इसे अपने बेटे से दूर मत करना। मैनेजर कहता है कि क्या कह रहे हो। वहाँ पर मोमोची और होंडा जो हारू ने कहानी सुनाई थी वो दर्द भरी कहानी मैनेजर को भी सुनाते हैं। यो हारू से कहता है कि ओए हारू तुमने अपनी फालतू कहानी इनको सुनाई और लगता है कि इन्होंने सच मान ली। फिर वहाँ पर मैनेजर कहानी सुनकर वो भी इमोशनल हो जाता है। देखकर कियो कहता है कि क्या व्हाट द यहाँ पर चल क्या रहा है यार, यहाँ पर सबके सब पागल है क्या, ये पूरा सिटी ही पागल है। फिर उसके बाद हमें उतानी दिखाई जाती है जो अपना काम पूरा करके जा रही होती है। वहाँ पर उस लड़के को दिखती है जो उससे पहले मिला था और वो उसके पीछे दौड़ के जाती है और उसे पीछे से पकड़ती है। वो देखती तो वो वही लड़का था। लड़का कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम थकी हुई लग रही हो। उतानी कहती है कि हाँ मैंने तुमको देखा और तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आई क्योंकि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती थी, मैं इतनी गर्मी में दौड़ी, ये सच में एक पागलपन जैसा है। वहाँ पर उतानी नहीं बोलती कि वो भूखी होती है लेकिन उसका पेट बोल जाता है। लड़का कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। उतानी कहती है कि हाँ अभी मैंने खाना नहीं खाया है इसलिए। लड़का कहता है कि मैंने भी नहीं खाया है चलो साथ में खाते हैं। लड़का कहता है कि मैंने भी नहीं खाया है चलो साथ में खाते हैं।
रानी कहती है कि तुम सीरियस हो? लड़का कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ और तुमने जो भी हेल्प मेरी की थी उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। रानी कहती है कि यह मजा आएगा, चलो फ्री में खाना खाते है, मैं टोरोरो सुबह खाना जाऊंगी। फिर वो दोनों खाना खाना जाते हैं, जहाँ पर उतानी कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़का कहता है कि मेरा नाम कुरेनो है। उतानी कहती है कि मेरा नाम अरिसा उतानी है। तो तुम इस एरिया से जाते हो तो क्या तुम्हारे इस एरिया में कोई बिजनेस है? कुरेनो कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही, और तुम भी ऐसे ही आई थी? उतानी कहती है कि मैं यहाँ पर कैफे और कन्वेंशन स्टोर में काम करती हूँ। कुरेनो कहता है कि मैं 26 साल का हूँ, क्या तुम हाईस्कूल गर्ल हो? उतानी कहती है कि हाँ जूनियर। कुरेनो कहता है कि मतलब अभी तुम काफ़ी यंग हो। उतानी अंदर ही अंदर सोचती है कि वो मुझसे करीब 9 साल बड़ा है। कुरेनो कहता है कि हम पहली बार कन्वेंशन स्टोर में मिले थे और आज हम साथ में खाना खा रहे हैं, ये कितना अजीब है। उतानी अचानक ही कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई फॉरेनर हो? कुरेनो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उतानी कहते हैं कि आजकल का कोई भी 26 साल का लड़का कन्वेंशन स्टोर में कुछ भी लेने नहीं आता है। कुरेनो कहता है कि वो बस नेसेसरी है मेरे लिए, वो सच में एक कोइंसिडेंस जैसा था, ऐसे भी मैं अननेसेसरी काम नहीं करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। उतानी कहते हैं कि तो तुम क्या ऐसी लाइफ जीकर खुश हो? कुरेनो कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ और ठीक भी हूँ, और मैं बाकी सबसे भी ज़्यादा खुश हूँ। उतानी कहते हैं कि तो तुम्हारी असली स्माइल मुझे दिखाओ, पहली बार मैं तुमसे मिली थी तब तुम्हारी स्माइल असली थी, हम पहले स्टोर में मिले थे और अब साथ में खाना खा रहे हैं, मैं और देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें और देखना चाहती हूँ और हैप्पी होना चाहती हूँ, हमारा थैंक यू खाने के लिए। और उतानी वहाँ से जाने लगती है। उतानी जाते जाते अपने आप से कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हारा अननेसेसरी टाइम बिगाड़ा, मैं तुम्हारी असली स्माइल को नहीं ला पाई। उसके पीछे कुरेनो दौड़ते दौड़ते आता है, लेकिन उतानी गुस्से थी तो वो उसकी बात नहीं सुनती है। कुरेनो कहता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ और रो मत। उतानी कहती है कि कौन रो रहा है, मैं नहीं रो रही हूँ। कुरेनो कहता है कि ठीक है, सच कहूँ तो मैं तुमसे फिर बात करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी तुमसे दोबारा मिलना चाहता था, मैं पहली बार तुमसे मिला था तब से मैं सोच रहा था कि हम फिर कब मिलेंगे। उतानी खुश हो जाती है और वो उसे कीक मारती है। कुरेनो कहता है कि तुम भी ना, और वो अपनी रियल स्माइल देता है। उतानी सोचती है कि यही उसकी नॉर्मल स्माइल है। कुरेनो उतानी के पास आता है और वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो नहीं करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। उतानी सोचती है कि क्या उसके कहने का मतलब ये था कि वो मुझे पसंद करता है। उसके बाद ये सारी बातें उतानी हानिचामा को बताती है। हानिचामा कहती है कि तो उसके वाइफ और बच्चे होंगे। उतानी कहती है कि हानिचामा तुम काफ़ी ज़्यादा विचित्र सोचती हो। फिर उसके बाद हमें सुगुरु का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग डिनर के लिए साथ में बैठे हुए थे। सुगुरु कहता है कि तो तुम लोग आज कहाँ पर गए थे? मोमोची कहता है कि हम हंडर हाउस गए थे। सुगुरु कहता है कि ओ तो होंडा, क्या तुम्हें वहाँ पर डर नहीं लगा था? होंडा कहते हैं कि मैं वहाँ पर अच्छे से चल पाई। सुगुरु कहता है कि ओ यकीन नहीं हो रहा। क्यों और यूकी अंदर अंदर सोच रहे होते कि हाँ पता है कैसी हालत हुई थी। सुगुरु कहता है कि लगता है कि तुम लोगों के समर वैकेशन का स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। होंडा कहते हैं कि हाँ ये पहली बार है कि मैं इतनी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। फिर उसके बाद हमें कुरेनो दिखाया जाता है जो एक रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर रूम के अंदर अकितो थी और अकितो कुरेनो को गले लगाती है। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 4 और 5 होते हैं फिनिश। तो अब कहानी में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और यह वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।